हमारे बीच कानपुर के प्रसिद्ध डॉक्टरों की एक टीम सामने मौजूद है जो मिशन शक्ति अभियान में निकली है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में मिशन शक्ति अभियान क्या है और आज यहाँ पर क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि डॉक्टरों का एक कुटुंब यहाँ इकट्ठा हुआ है। मैं सबसे पहले डॉक्टर नीना अग्निहोत्री से इस बारे में जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री आज के कार्यक्रम की चीफ पैट्रन हूँ और GSVA मेडिकल कॉलेज में एथिक्स कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। हम लोगों का मेन एम इस वक्त ये है लोगों को जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन करा गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत, जिसमें महिला सशक्तिकरण हमारा मुख्य उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण में गर्भ से लेकर अनंत तक, ताकि गर्भस्थ शिशु के अधिकारों पर भी हम लोग प्रकाश डाल सकें। किसी को ये अधिकार नहीं बनता है कि बिना माता की परमिशन के गर्भस्थ शिशु का ना ग्रोथ होने दें, उनको ना बढ़ने दें। तो इन सब चीज़ों के लिए आज की गोष्ठी करी जा रही है कि उसके लिए विशेष प्रायोजन संचालन और उनको बढ़ाने के लिए, जिससे गर्भस्थ शिशु जो है वो अच्छी तरह विकसित हो सके। अगर अच्छा विकसित बच्चा होगा तो वो देश का अच्छा नागरिक बनेगा। तो यहाँ से हम लोग की कमजोरी शुरू होती है, यहीं से एनीमिया शुरू होता है, यहीं से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शुरू होती है, यहीं से माँ में कभी एनीमिया और ये सब चीज़ें होती हैं। तो गर्भस्थ अवस्था से लेकर के अनंत तक हम लोगों को महिला का सशक्तिकरण देखना है। आपने देखा होगा बहुत से हमारे नागरिक, बिना नाम लिए बताना चाहती हूँ, कि जैसे ही घर में माँ का कोई उपयोग नहीं होता है, 70 या 80 साल की हो गई है, तो ये कोशिश करते हैं इसका जल्दी से निवारण हो और हमें इसके लिए कुछ भी ना करना पड़े। माँ को मार रहे हैं पैसा लेके। तो इन सब चीज़ों में सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बहुत से उपाय, हम लोग को योजनाएँ दी हुई हैं, लेकिन उन तक पहुँचे कैसे? तब तक जब तक वो उन तक पहुँचती तब तक उनका अंत हो जाता है। तो इन सब के लिए भी उन्हें जागरूक करने के लिए हमारी पूरी कानपुर ऑपरेशन गायनेकोलॉजी सोसाइटी निम्न स्तर तक, सबसे आखिरी व्यक्ति तक इन्हें पहुंचाने के लिए दलित बस्तियों में, स्कूलों में प्राचार्यों के साथ, डॉक्टर के साथ और वर्कर के साथ इनकी संगोष्ठी कर करके उनको बचाने का लक्ष्य है। जो एम है, कोरोना मुक्त भारत, पोषण युक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत और कैंसर मुक्त भारत, इस पर। जैसे आपने कई चर्चा की कि वर्तमान समय में योगी सरकार अलग अलग तरीके से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है और महिलाओं की मदद करने का प्रयास कर रही है, जैसा कि देखने में आया इधर महिलाओं पर अपराध की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके विषय में कुछ कह सकती हैं आप? मैं डॉक्टर किरण पांडे हूँ, GSVM